नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है पारस सैनी और आज हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट पे बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ में है वर्टस 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन के साथ ये गाड़ी रहने वाली है। मैनुअल ट्रांसमिशन है। आज इस गाड़ी को हम गाजियाबाद से लेके जा रहे हैं। एट प्रेजेंट हम हैं राजनगर एक्सटेंशन और ये जा रहा है ऊपर एलिवेटेड रोड। तो इस गाड़ी को हम गाजियाबाद से दिल्ली लेके जाएंगे, दिल्ली से हरियाणा फरीदाबाद। डेस्टिनेशन लगभग हमारी है 54 किलोमीटर की। समय हमें जो लग रहा है 1.5 घंटे का लग रहा है और 10:30 बजे का सुबह का टाइम हो रहा है। तो इस गाड़ी को लेकर चलते हैं। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा भी होगा कि इस गाड़ी का जो MID जो है ना, उसमें जो आपका माइलेज शो होता है वो लगभग एक्चुअल होता है, जो आपका अगर आप टैंक टू टैंक में भी फुल करते हैं तो सिमिलर आपको माइलेज देखने के लिए मिल जाता है। तो आज इस वीडियो में बहुत ही डिफरेंट रहने वाला है, इंटरसिटी को कवर करने वाले हैं और देखते हैं ये वर्टस पी कार्स में, ऑफिस पी कार्स में आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकाल कर दे सकती है। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो हाल फिलहाल में टाइकून या वर्टस लेने का प्लान कर रहे हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू फॉक्सवैगन एनसीआरईएस गाजियाबाद जिन्होंने हमारे को ये गाड़ी प्रोवाइड कराई। स्पेसिफिक वर्टस या फॉक्सवैगन की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो डिस्प्ले पे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इफ अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली एनसीआर से तो आप विजिट कर सकते हैं फॉक्सवैगन एनसीआरईएस गाजियाबाद। तो गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड पूरी वीडियो में देखेंगे आप किस तरीके का सिनेरियो रहने वाला है। तो देखो हम आ चुके हैं फिलहाल गाड़ी में और गाड़ी को कर देते हैं बंद। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ तो 1 घंटा 46 मिनट दिखा रहा है 54 किलोमीटर। ये राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड से हम यहाँ से चढ़ जाएंगे। तो देखो सबसे पहली चीज मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर देगा कि आप ड्राइव करते टाइम किसी भी तरीके को कोई आप वीडियो शूट करें या फोन कैमरा किसी भी तरीके को यूज करें। ये केवल आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो रहने वाली है और वीडियो बहुत यूजफुल रहेगी अगर आप भी लेने का प्लान कर रहे हैं वर्टस या टाइगून और आप देखना चाहते हैं ये जाम में कितना माइलेज देती है। तो सेफ्टी फर्स्ट है तो सबसे पहले हम कर लेते हैं बेल्ट वियर। तो देखो हमने कर लिया बेल्ट वियर, अब इस गाड़ी को हम लेकर चलते हैं। और फिलहाल यहाँ से हमने कर लिया है 10:39 हो चुके हैं यहाँ पे। ट्रिप को कर लेते हैं हम यहाँ से रीसेट और ये कुछ इस तरीके से, ये हो गई हमारी ट्रिप रीसेट और गाड़ी को लेकर चलते हैं। लाइट फुट कार को ड्राइव करेंगे जैसे एज यूजुअली हम लोग करते हैं ड्राइव। माइलेज बिल्कुल कह सकते हो आप असली टेस्ट रहने वाला है। इससे पहले भी मैंने इसी सेम गाड़ी का माइलेज टेस्ट किया था जिसमें जो कस्टमर गाड़ी लेने वाले थे ना उन्होंने कार ड्राइव करी थी और लगभग 36 किलोमीटर वो लोकल में चली थी, हाईवे पे लगभग चली थी 80 किलोमीटर। टॉप स्पीड रही थी उसकी गाड़ी की 100 से 105 के बीच में अप्रॉक्स, हमने हाईवे पे उस गाड़ी को स्ट्रेच किया था। और MID में जो उस टाइम पे माइलेज टेस्ट हुआ, माइलेज जो आया था वो आया था 17.9 का और एक्चुअल में जो मिला था 18.15 का। तो दोनों माइलेज लगभग सिमिलर आपको मिल जाते हैं। तो आज देखने वाले हैं कि इस MID में कितना ये माइलेज दिखाती है गाजियाबाद, इसी के साथ साथ दिल्ली और हरियाणा जो हम फरीदाबाद जा रहे हैं। तो देखने वाले हैं कैसा माइलेज टेस्ट रहने वाला है। फिलहाल हम यहाँ पे चढ़ चुके हैं एलिवेटेड रोड पे, गाड़ी को हम 80-85 की स्पीड तक ही रखेंगे इस वाली रोड पे। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस चीज़ में काफ़ी मेहनत लगती है तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब और ये वीडियोस अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो हाल फिलहाल में टाइगून या फिर वर्टस लेने का प्लान कर रहे हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो अब गाड़ी को हम लेकर चलते हैं और देखते हैं ये गाड़ी आखिर माइलेज कितना देती है। फिलहाल मैं अकेला हूँ गाड़ी में, फिलहाल सिंगल पैसेंजर और AC रहेगा ऑलवेज ऑन। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करनी चाहूँगा कि इस गाड़ी में मैं बिल्कुल भी क्रूज कंट्रोल का यूज़ नहीं करने का, कहने का मतलब चाहे एलिवेटेड रोड हो या फिर हो आपका गाजीपुर से लेके काले खां तक, बिल्कुल भी क्रूज कंट्रोल का यूज़ नहीं करने का। जैसे आप देख सकते हैं फिलहाल 85 की स्पीड है और 18.7 का ये गाड़ी हमारे को माइलेज दे रही है। तो एक्चुअल में ये देखो माइलेज इतना तो नहीं मिलने का क्योंकि अभी सिटी में आएंगे तो ये माइलेज काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप डाउन भी होगा। एक्चुअल जो कस्टमर फीडबैक जो अभी तक मैंने सुने हैं इस गाड़ी का लगभग आपको 12 से लेकर 15 तक का माइलेज लोकल में मिलता है। तो क्या माइलेज रहने वाला है पूरी डिटेल में आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ये रहने वाला है एक असली माइलेज टेस्ट। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाल फिलहाल हम इंदिरापुरम वाले कट पे आ चुके हैं बट हमारे को जाना है बिल्कुल सीधा। फिलहाल गाड़ी जो दे रही है 20 KMPL का माइलेज दे रही है। 4 मिनट हुए हैं 4 किलोमीटर ड्राइव करिए, 66 किलोमीटर की एवरेज स्पीड हमारी गाड़ी की रही है। तो देखो जो लोग कहते हैं ना फॉक्सवैगन की गाड़ी माइलेज नहीं देती, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि एक्चुअल में फॉक्सवैगन की गाड़ियां माइलेज देती हैं या फिर नहीं देती। तो
वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली। तो देखो हम आ चुके हैं गाजीपुर के आसपास, यहाँ से हम एलिवेटेड रोड से नीचे उतर रहे हैं। फिलहाल जो हमारी गाड़ी में माइलेज आ रहा है 24.6 का आपको माइलेज देखने के लिए मिल रहा है। 9 किलोमीटर गाड़ी चली है और 8 मिनट हमारे को निकले हुए हो चुके हैं। एवरेज स्पीड हमारी 70 बन रही है और हाईवे पे जो मैंने स्पीड रखी है वो रखी है 80 से 85 के अप्रॉक्स। इसी के साथ साथ अब यहाँ से हम करने वाले हैं दिल्ली में एंट्री और देखते हैं ये गाड़ी कितना माइलेज देती है। ये 25 किलोमीटर तक का माइलेज यहाँ पे आ तो गया है, क्या ये अब इसका आधा रहेगा लोकल में आने के बाद। देखो फिलहाल हम कर चुके हैं दिल्ली में एंट्री और रोड काफी भरा हुआ है। वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, क्यों, उससे ना आपको रोड की सिचुएशंस का पता नहीं चलेगा कि किस सिचुएशन में इस गाड़ी ने कैसा माइलेज दिया है। तो देखो अभी तक फिलहाल 24.4 का ये माइलेज शो कर रही है और मैं ट्राई रखूंगा कि गाड़ी ज्यादा से ज्यादा टॉप गियर में रहे, क्योंकि टॉप गियर में ही आपको माइलेज मिलता है, बट एक एज अ स्पीड के अकॉर्डिंग। फिलहाल हम दिल्ली में एंट्री कर चुके हैं और हम पहुंचने वाले हैं आपका अक्षरधाम वाले चौराहे पे, बस थोड़ी दूर ही है। आप देख सकते हो कैसा जाम है आगे, मतलब गाड़ियों के बीच में जगह निकालने की भी नहीं है। तो देखो फिलहाल हम आ चुके हैं यमुना रिवर पे और रूट थोड़ा सा अच्छा मिला कह सकते हैं, मंडे है, बारिश का भी मौसम हो रहा है। एक सबसे बड़ी चीज कहना चाहूंगा, बहुत लोग ना ये कहते हैं कि मेरी गाड़ी माइलेज नहीं देती, मेरी गाड़ी माइलेज नहीं देती। तो देखो आप लोगों के मैं डाउट क्लियर कर दूं कि गाड़ी माइलेज देती है, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर रोड सिचुएशन एंड योर ड्राइविंग बिहेवियर। देखो अभी तक मैं एलिवेटेड रोड और ये एक्सप्रेस वे से लेके आया हूँ, फिलहाल देखो यहाँ पे इधर की साइड जाम है आप देख सकते हैं, और फिलहाल मेरी गाड़ी माइलेज दे रही है 26.5 का ये गाड़ी माइलेज दे रही है। तो गियर शिफ्टिंग, एक्सेलरेशन, लाइट फुट पैडल आप ड्राइव कीजिए, और रोड सिचुएशन तो बहुत बड़ा मैटर है ही कि आपकी गाड़ी का माइलेज कैसा आने वाला है या कैसा नहीं आने वाला। बहुत लोग इस माइलेज को देख के फेक बोलेंगे कि यार हो ही नहीं सकता, सिंगल डिजिट में माइलेज देती है, डीफेम भी करते हैं ब्रांड्स को, बट ये टोटली डिपेंड करता है रोड सिचुएशन के ऊपर और ड्राइविंग बिहेवियर। मानकर चलो अगर आपकी रोड सिचुएशन अच्छी है बट आप हार्ड फुट ड्राइव करते हो तो मैं कह रहा हूँ आप हाईवे पर भी माइलेज नहीं निकाल सकते। तो देखो अभी तक जो हम माइलेज बनाकर लेके आए हैं अब वो यहाँ पे बिगड़ने वाला है। जाम लग चुका है, सराय कालेगा मेट्रो स्टेशन ये है और यहाँ पे फिलहाल माइलेज आ रहा है 25.9 किलोमीटर का। तो जो चीज़ मैं बता रहा था आपको, बहुत लोग कहेंगे ये फेक है, ये क्या है, आई डोंट नो। 20 मिनट गाड़ी चलाते हुए 19 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है, 58 किलोमीटर की एवरेज स्पीड रही है। अब देखो जैसे जैसे हम लेके आए हैं गाड़ी, अब यहाँ जाम सारा इस माइलेज की बैंड बजा के रख देगा, देखते हैं बाकी कितना माइलेज ड्रॉप डाउन होता है इस गाड़ी का, और देखते हैं वीडियो में बने रहना कैसा ये जाम रहेगा। और देखो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जाम है, 34 किलोमीटर बच रहा है डिस्टेंस और 1 घंटा 27 मिनट। अब ऐसा जाम मिलेगा तो देखो कहाँ माइलेज जाता है। गाड़ियां अक्सर जो माइलेज कम देती है ना वो इन ट्रैफिक की वजह से देती हैं, एक तो दिल्ली का जाम और ऊपर से बारिश, बारिश में तो काफी अच्छा जाम, जो इतना जाम होता है ना वो इतना हो जाता है, कहने का मतलब भाई बिल्कुल खड़ा जाम रहता है, आप गाड़ी आपकी चलेगी नहीं लेकिन फ्यूल आपका फूकता रहेगा। तो ऐसे में ना जो कहते हैं ना लोग कि ऑल्टो वैगनर मारुति की गाड़ियां काफी अच्छे माइलेज देती हैं, ऐसी सिचुएशन में वो गाड़ियां भी माइलेज नहीं देती। ये बात मारुति लवर्स को कड़वी लगेगी लेकिन देखो एग्जैक्ट यही चीज है, क्योंकि जब गाड़ी चलेगी नहीं सिर्फ क्रॉल करती रहेगी तो वो गाड़ी माइलेज कहाँ से देगी। फाइनली थोड़ा सा जाम खुला और हम गाड़ी को लेकर चलने लगे हैं। गाड़ी के माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम ये 22.9 का माइलेज गाड़ी शो कर रही है, 49 की एवरेज स्पीड है जो कि 71 की स्पीड थी अब 49 की रह गई है, धीरे धीरे ये भी घटती रहेगी क्योंकि अभी 1.5 घंटे का सफर अभी हमारा और बचा है और 33 किलोमीटर का। अगेन फिर से हमें थोड़ा सा जाम का सामना करना पड़ रहा है। रिस्क नहीं लेंगे बस से बिल्कुल भी। पूरा देखो यहाँ देख सकते हो आप रेड है बिल्कुल, गाड़ी का माइलेज डाउन होता जा रहा है जैसे जैसे जाम बढ़ता जा रहा है।
21.6 kmpl पे आ चुका है, जो कि 26 तक था। तो देखो रोड सिचुएशन बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी गाड़ी के माइलेज निकालने के लिए। तो देखो फिलहाल हमने 23 किलोमीटर कवर कर लिए हैं 34 मिनट में, 20.4 की हमारे को माइलेज मिल रही है, 41 किलोमीटर की एवरेज स्पीड। और यहाँ से आप देख सकते हैं कैसा सिनेरियो रहने वाला है, 1 घंटा 17 मिनट और 30 किलोमीटर दूर अभी और है हमारी डेस्टिनेशन। ड्राइविंग डाटा मैंने इसीलिए ऑन किया हुआ था क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे कि इतना माइलेज नहीं देती, उतना माइलेज नहीं देती। तो देखो जो भी चीज है आप लोगों के सामने है, वीडियो आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं। देखो अब आप लोग ट्रस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज है ट्रांसपेरेंट है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि मैंने कुछ चेंज किया है। जो भी चीजें आप लोगों के सामने है, जैसे जैसे जाम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गाड़ी का आप देख सकते हैं माइलेज भी घटता जा रहा है और एवरेज स्पीड भी घटती जा रही है। तो देखो फिलहाल रोड थोड़ी सी खुली हुई मिली है और हम फरीदाबाद की तरफ को बढ़ रहे हैं, और 1 घंटा 13 मिनट का समय है, 28 किलोमीटर लगभग अभी और बच रहा है, 11:22 हो रहे हैं। तो देखो फिलहाल हम माइलेज बनाकर चल रहे थे और माइलेज फिर भी गिर के 18.5 पे आ गिरा है, और यहाँ पूरी तरीके से आप देख सकते हैं रेड हो रखा है और यहाँ पे +6 मिनट भी शो कर रहा है, 25 किलोमीटर दूर है, 1 घंटा 8 मिनट का सफर अभी हमारा और बचा हुआ है। देखो जाम पूरी तरीके से बरकरार है अभी भी, और माइलेज जो है वो ड्रॉप होके आ चुका है फिलहाल 17.6 किलोमीटर तक, 53 मिनट हमें गाड़ी को चलाते हुए हो गए, 29 किलोमीटर हमने कवर किया है और एवरेज स्पीड 33 की रही है, जो हमारी 71 की बनी हुई थी, लगभग आधे से भी नीचे आ चुकी है एवरेज स्पीड। 17.5 का माइलेज यहाँ पे शो कर रहा है, 1 घंटा 7 मिनट का सफर है हमारा और 24 किलोमीटर अभी भी फिलहाल बचा हुआ है। तो देखो फिलहाल हम जाम से तो निकल ही आए हैं और अभी भी हमारे पास लगभग 1 घंटे 2 मिनट का सफर है और 23 किलोमीटर अभी भी हमारा चलना बाकी है। इस जाम की वजह से हमारी गाड़ी का माइलेज लगभग 18.5 से 16.5 पर आ गिरा है, कहने का मतलब सीधा सीधा 2 किलोमीटर का। अब बाकी देखते हैं यहाँ पे हम कितने माइलेज को इसको बनाकर रख पाते हैं या फिर इसके नीचे भी हम कितने किलोमीटर के माइलेज तक नीचे गिरते हैं इस सिचुएशन और इस जाम के चलते। तो वीडियो अभी तक फिलहाल पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, काफी ज्यादा मेहनत लग रही है, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड अपने उन दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करो जो टाइगून या वर्टस का मैनुअल ट्रांसमिशन 1 लीटर के लेने का प्लान कर रहे हो या 1.5 के साथ जाना चाह रहे हो और माइलेज की वजह से डरते हुए वो गाड़ी ना ले पा रहे, तो वो इस गाड़ी के साथ भी जा सकते हैं, बिकॉज इस गाड़ी में आपको 115 पीएस की पावर और 178 एनएम का टॉर्क मिल जाता है, कहने का मतलब कि ये गाड़ी एक 1500 सीसी के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से भी ज्यादा पावर जनरेट करके देती है। और इसी के साथ साथ मैं यार एक चीज और कहना चाहूंगा, गाड़ी आप 5 लाख किलो चाहे 50 लाख किलो, गाड़ी को लेने से पहले एक बार सेगमेंट जो है शॉर्टलिस्टेड करो, उसके बाद लाइन से गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लो, क्योंकि कार परचेजिंग फैक्टर में टेस्ट ड्राइव इज ओनली द पार्ट जो आपके 90% तक डाउट्स जो है क्लियर कर देता है, बाकी रहे लुक्स डिजाइंस और इसी के साथ साथ फीचर्स वो 10% में आप काउंट कर सकते हैं। तो देखो अब जाके थोड़ा थोड़ा मौसम भी खुल रहा है और आपका रास्ता भी खुल चुका है। फिलहाल हमारी जो गाड़ी चल चुकी है वो चल चुकी है 33 किलोमीटर 1 घंटे 7 मिनट में, 16.3 का माइलेज गिर चुका है आप देख सकते हैं, लगभग 30 किलोमीटर की एवरेज स्पीड, 43 मिनट का रास्ता बचा है और 19 किलोमीटर अभी और बचे हैं। अब देखते हैं इस 19 किलोमीटर में इस गाड़ी का माइलेज बढ़ता है कि घटता है, फिलहाल 0.1 का तो बढ़ चुका है। तो देखो अगेन हम आ चुके हैं हाईवे पे, फिलहाल हम है दिल्ली मथुरा एक्सप्रेस वे आप कह सकते हो या फिर इसे हाईवे आप कह सकते हो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारी गाड़ी का अगेन माइलेज जो हम उसे रिकवरी मोड पे हमारा डल चुका है। गाड़ी का फिलहाल माइलेज आ रहा है 16.9 का, जो हमारा 16.3 पे जाके गिर गया था, 0.6 का माइलेज भी बढ़ चुका है। अब यहाँ 15 किलोमीटर का सफर है और 39 मिनट का समय लगने वाला है, जिस हिसाब से किलोमीटर और उस हिसाब से समय की अगर हम बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि आगे हमारे को जाम का सामना भी थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। तो देखो हाल फिलहाल हमने जो सफर तय किया है वो किया है 42 किलोमीटर का 1 घंटा 16 मिनट में,
और जो माइलेज हमारा लगभग 16.3 तक जा चुका था, अब ये हाईवे आने के बाद हमने उसको भी रिकवर किया है, जो फिलहाल हमारे को मिल चुका है इस टाइम 18.18 किलोमीटर पर लीटर का। एवरेज स्पीड भी धीरे धीरे हमारी रिकवर हो रही है, 33 किलोमीटर की एवरेज स्पीड रही है फिलहाल। जो हमारा सफर जो रहा है डेस्टिनेशन जहां हमारे को जाना है, फिलहाल बची हुई है 9.3 किलोमीटर और समय इसमें लगना है 33 मिनट्स का। तो कहने का मतलब इतने किलोमीटर में इतना समय लगने का मतलब सीधा सीधा एक इंडिकेशन है कि हमारे को आगे फिर अगेन जाम का सामना करना पड़ेगा और ये माइलेज फिर कहीं ना कहीं ड्रॉप डाउन आके मिलेगा। देखो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही मिला, ये लाइन पूरी रेड है। अब इसमें हमारे गाड़ी का माइलेज अगेन गिरने वाला है, 18.1 से 18 तो हो गया, अब ये कब 17 भी हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते, बाकी देखते हैं कितना माइलेज मिलता है। तो देखो जैसे ऐसे धीरे धीरे हम रास्ता कवर करते गए, माइलेज हमने बीच में बढ़ाया था, फिर अगेन घट चुका है, 17.2 का माइलेज आ चुका है। डेढ़ घंटा हमें हो गया है, 46 किलोमीटर कवर किया है, 31 किलोमीटर की एवरेज स्पीड, और अब जो समय हमारा बचा है 20 मिनट का रास्ता है 5.4 किलोमीटर। काफ़ी ज़्यादा जाम वाला एरिया रहने वाला है इस टाइमिंग, और इतने किलोमीटर की जो मैचिंग नहीं बैठती ना उससे पता चल जाता है जाम रहने वाला है, तो ऐसे कुछ जाम का हमारे को सामना करना पड़ेगा। तो देखो फिलहाल हमारे को लोकेशन में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ा है, डेस्टिनेशन थोड़ी सी हमारी दूर हो गई है, देख सकते हो आप, जैसे 30 मिनट का रास्ता है और 11 किलोमीटर दूर है। फिलहाल हमारी गाड़ी जो माइलेज दे रही है 16.8 का, 48 किलोमीटर चल चुकी है, 1 घंटा 35 मिनट का इसमें जो हमारे को टाइम लगा है और 30 किलोमीटर की एवरेज स्पीड रही है। यहाँ बीच में हमारा थोड़ा सा समय खराब हुआ क्योंकि यहाँ पे एक फाटक के थ्रू हमारे को इन गूगल बाबा ने बताया था, और वो फाटक थोड़ा सा उसमें काम वाम चल रहा है जिसकी वजह से वो फाटक बंद है, तो अगेन हमारे को थोड़ा सा रास्ता चेंज करना पड़ेगा। अब देखो आगे जाके ये दोबारा कैसे नेविगेट करता है, और देखते हैं ये अब गूगल बाबा हमारे को ये 27 मिनट और 10 किलोमीटर को कितने किलोमीटर बढ़ाता है और कितने मिनट का समय बढ़ाता है। चलिए गूगल बाबा ने हमारे को थोड़ा सा रास्ता लॉन्ग तो बताया है, 15 किलोमीटर हो चुके हैं और 33 मिनट का रास्ता हो चुका है, 6 मिनट बढ़ गए और 4 किलोमीटर बढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो है हमारा हाईवे का पार्ट ज़्यादा रहेगा, तो जो हमारा माइलेज गिरा है ना लगभग 16.5 का जो माइलेज गिरा है, अब वो देखते हैं कितना जाके गिरता है, अभी फिलहाल 15.8 किलोमीटर का है, अब देखते हैं कितना माइलेज हम रिकवर कर पाते हैं। अगेन हमारे को थोड़ा सा जाम देखने के लिए मिला यहाँ पे, और माइलेज हमारा गिर के जा चुका है 15.5 किलोमीटर, एवरेज स्पीड 28, 1 घंटा 55 मिनट हमारे को गाड़ी चलाते हुए हो चुका है और 52 किलोमीटर गाड़ी लगभग चली है। अगेन हम आ चुके हैं हाईवे पे और माइलेज गिर के जा चुका है 15.2 किलोमीटर, अब इसको थोड़ा सा रिकवर करते हैं, 3.5 किलोमीटर का ये पैच रहेगा हमारा हाईवे का। देखो 3.5 किलोमीटर में कितना ये माइलेज हमारा रिकवर हो जाता है। बारिश फिलहाल अगेन स्टार्ट हो चुकी है, 54 किलोमीटर हमारी गाड़ी लगभग चल चुकी है और लगभग इसे 11 किलोमीटर और चलना है, और रिजल्ट के हम लगभग बहुत करीब आ चुके हैं, अब देखते हैं रिजल्ट कितना अच्छा आता है और कैसा देखने के लिए मिलता है हमारे को रिजल्ट। फिलहाल 0.1 का तो माइलेज बढ़ा है, बाकी देखते हैं कितना माइलेज हमारे को देखने के मिलता है। फिलहाल बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है एकदम से ही, पता नहीं क्या हो रहा है एकदम, ये देख सकते हैं आप मौसम के हाल, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मौसम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप व्यू, ये जो व्यू है ना ये व्यू काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है मेरे को यहाँ से देखने में, बाकी होपफुली वीडियो में आपको भी शायद देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू ये देखने के लिए मिल रहा होगा आपको। लगभग इस 3.5 किलोमीटर के पैच में हमने जो माइलेज रिकवर किया है 0.4 किलोमीटर का रिकवर कर लिया है, अब हमारे को यहाँ से लेफ्ट जाना है। काफ़ी समय मशक्कत करने के बाद हम ऊंचे नीचे रास्तों से छोटी मोटी गलियों से निकल के अगेन दोबारा हम थोड़े से रोड पे आए हैं, किलोमीटर हमारे रह रहे हैं 3.8 किलोमीटर, 7 मिनट का सफ़र है, माइलेज गिर के हमारा आ चुका है 15.4 किलोमीटर पे। तो देखो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो लगभग ठीक ठाक माइलेज दिया है लगभग अभी तक जो मिला है हमारे को, क्योंकि इस पूरे सफ़र में 61 किलोमीटर का जो सफ़र रहा है जिसमें हमारी 20 किलोमीटर मात्र हमारी लगभग शायद ही हाईवे पे चली होगी, अदरवाइज 40 से 41 किलोमीटर ये गाड़ी लोकल ही चली है, लोकल में वही आपका सेकंड थर्ड गियर में, फोर्थ गियर तो लगने की नौबत ही नहीं आई। तो
तो देखो फिलहाल हम अपनी लोकेशन पे लगभग पहुंच ही चुके हैं और यहाँ पे 600 मीटर में दूर हूँ बस IMT फरीदाबाद हम आ चुके हैं। जो इस वीडियो का कंक्लूजन रहा है, 2 घंटे 18 मिनट में 64 किलोमीटर ये गाड़ी ड्रिवन हुई है, 28 किलोमीटर की एवरेज स्पीड और 15.6 का इस गाड़ी ने माइलेज दिया है और इस 64 किलोमीटर के सफर में लगभग 20 किलोमीटर का हाईवे और 44 किलोमीटर का ये रहा है लोकल। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो वर्टस या टाइगून लेने का प्लान कर रहे हैं। एंड ये वीडियो उन लोगों को भेजना बिल्कुल मत भूलना जो कहते हैं फॉक्सवैगन की गाड़ियां लोकल में मिला के लगभग जाम वगैरह में सिंगल डिजिट का माइलेज देती हैं। बाकी मिलते हैं इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।